आंसू आते हैं, कोई 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 याद में आंसू आते हैं। बाबा की याद करने बैठेंगे तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। तो उन्होंने जब आंसू आए तो साकार को याद किया या निराकार को याद किया? साकार को याद किया। और साकार में भी अच्छे को याद किया या बुरे को याद किया? अच्छे को याद किया। तो अच्छे को याद किया, उसके शुभ कर्मों के आधार पर याद किया, तब आंसू आए। या भ्रष्ट कर्म को, दुखदायी कर्म को याद किया तब आंसू आए? हैं, शुभ कर्म को याद किया तो आंसू आए। तो अच्छे कर्मों की अगर शूटिंग करनी है, अच्छे कर्मों के आधार पर जन्म जन्मांतर के लिए, 83 जन्मों के लिए सुख प्राप्त करना है तो ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करना है, ये पक्का याद करना है। आप जन्म जन्मांतर अपनी आत्मा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए सुख चाहते हैं ये दुख चाहते हैं? है, सुख चाहते हैं। ब्रह्मा और राम वाली आत्मा के बीच में जन्म जन्मांतर जास्ती सुख लेने वाली, क्योंकि सुख तो देह के आधार पर ही भोगा जाता है ना, तो जन्म जन्मांतर देह का सुख जो है, चाहे देवता के रूप में और चाहे मनुष्यों के रूप में, कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा भोगती है या राम वाली आत्मा ज्यादा भोगती है? है, कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा भोगती है। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं चाहते है? चाहते हैं। तो कर्मों में फॉलो करना है, सुख लेना है तो ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो 50 साल निकट हो जाते हैं फिर सुख प्राप्त है? 50 साल निकट हो जाते हैं, जो 50 साल कट होते हैं वो मृत्युलोक के हैं या स्वर्णिम संगम भी स्वर्ग है, शुरू हो जाता है। मृत्युलोक खत्म हो गया, उसी का खत्म हो गया कि सबका खत्म हो गया? है, नंबरवार कैसे? जिनके पार्ट अभी डिक्लेयर भी कर दिए गए, उन आत्माओं की भी अभी फाइनल पेपर हो गए या नहीं हो गए? है, नहीं हो गए। तो जब फाइनल पेपर ही नहीं हुआ तो स्वर्ग में कैसे पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में मरेंगे तभी तो स्वर्ग में पहुंचेंगे, कि नरक में मरेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? अभी वो संगठन, वो माला ही तैयार नहीं हुई है। जो अव्वल नंबर की माला है 8 की, जो स्वर्गीय संगठन की शुरुआत करती है, जब ऐसा दुनिया में कोई ब्राह्मणों का संगठन ही पक्का तैयार नहीं हुआ है, जहां के वाइब्रेशन में मरे तो कहां जाए? स्वर्ग में जाए। इसलिए वो 50 वर्ष जो ब्रह्मा के ऐड कर रहे हैं वो नरक के कहे जाएंगे या स्वर्ग के कहे जाएंगे? नरक के ही। ब्रह्मा की आत्मा को पीपल के पत्ते पर संसार सागर में हिलोरे खाते हुए मौज में पड़े हुए दिखाया गया है। क्या उनकी मौज कम नहीं हो सकती? चाहे कितने भी हिलोरे आए, वो नैया डोलेगी, हिलेगी, लेकिन विषय सागर में डूब करके नेस्त नाबूद नहीं हो सकती। उस एक के लिए गायन है या हम सब के लिए गायन है? हा? एक के लिए गायन है।
तो ब्रह्मा के वो 50 वर्ष नहीं काउंट कर सकते। और अरे वो सूर्यवंशी है या और वंश के हैं? तो सूर्यवंशियों के कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म होते हैं। हाँ हाँ हाँ, साथ साथ रहते हैं, आखिरी जन्म में जाके बेलग होते हैं। अष्टदेव में भी नंबरवार होगा क्योंकि दूसरे धर्म में गिर जाते हैं। अष्टदेव में जो पहला है वो आखिरी जन्म में आकर के माने 1936 में पहुंच करके विष्णु के रूप में ही रहता है या संस्कारों से अपोजिशन में आ जाता है, विष्णु रूप में आदि में सुअंत में। बाकी और तो नंबरवार होंगे ना, तो नंबरवार हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मा की आत्मा एडवांस वालों को इस समय फॉलो करती है कुछ न कुछ या नहीं करती है? हैं? करती है। और एडवांस वालों को जब फॉलो करती है तो उनमें चंद्रवंशियों को और दूसरे वंशियों को फॉलो करती है या नहीं करती है? उनको सपोर्ट करती है या नहीं करती है? करती है। तो दूसरे वंशियों की तो बात ही छोड़ दो, मान लो ज्ञान चंद्रमा का विशेष लगाव चंद्रवंशियों से है और चंद्रवंशियों के बीज में मुख्य है जगदम्बा और जगदम्बा में प्रवेश करती है तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शंकर में प्रवेश करती है और जगदम्बा में प्रवेश करती है तो संघ के रंग में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सवाल का जवाब मिल गया। अरे अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ हाँ ये मटका है, इस मटके में योगाग्नि डाल के ले जाते हैं क्योंकि जो देह है वो काय से भस्म होगी, देह भान भस्म काय से होगा, योगाग्नि से भस्म होगा, इसलिए इस मटके में योगाग्नि कैसे जा रहे हैं, क्या कहते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है कहते जा रहे हैं ना, तो वो तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं, मुख से कहते हैं, आवाज करते हैं, और ज्ञान मार्ग में याद है, ज्ञान मार्ग में याद करते हैं, वो याद ही योगाग्नि है, है? हाँ, जो कंधा देते हैं, सहयोग देते हैं, जो वजन उठाने वाले हैं, वो 4 दिखाए गए हैं, क्या? कितने? 4, क्योंकि राम वाली आत्मा जिसमें शिव बाबा आते हैं वो भी अति तमो प्रधान बनती है कभी कि नहीं बनती है? है बनती है। जब अति तमो प्रधान बनती है तो अति तमो प्रधान
को मुर्दा कहें या नहीं कहें? है? मुर्दा कहें? अति देहभान में आ जाता है तो शास्त्रों में प्रजापति को भी क्या दिखाया है? है? बकरे का मुख दिखाई दिया है। जो मुर्दा बन जाते हैं उनको फिर उनके बच्चे कंधा देते हैं। तो कितने बच्चे हैं? चार ही बच्चे हैं। देह अभिमान रूपी मुर्दे को चार बच्चे हैं जो कंधा देते हैं अंत समय में, जो आदि सो अंत। यज्ञ के आदि में भी चार कंधा देने वाले थे, कंधा देना माने वजन, वजन उठाना। एडवांस में भी चार कंधा देने वाले थे। यज्ञ के आदि में 1936 में भी रथ का बोझ चलाने वाले उठाने वाले कितने घोड़े थे? चार घोड़े थे। इसलिए यादगार में जब कोई अपने देह अभिमान को भस्म करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं, भस्म करते हैं, तो उनके जो वारसदार हैं वो क्या करते हैं? कंधा देते हैं। हाँ, वो ही याद का घृत है। किनारे में मर जाते हैं तो उसको जलाते हैं तो उसमें घी क्यों डालते हैं? अरे वही तो जवाब पूछ रहा है नीचे भाई। घी माना याद का घृत। जब वो नीचे पहुंच पूछता है तो आपकी बुद्धि कहाँ है? इधर उधर चल जाए, आप अलर्ट रहिए। हाँ, क्या मैम मनाते हैं शिवरात्रि? हाँ, अन्न को उपवास करते हैं हम जो, अन्न का उपवास करते हैं। हाँ, खाना नहीं खाते हैं। हम विकारों का उपवास करते हैं। हम जो विकार हैं उनका भोग नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर देते हैं, भोग नहीं करते, उस वासना में नहीं आते, वो वासना नहीं लेते पांच विकारों की। तो वहाँ स्थूल रूप में चलता है भक्ति मार्ग में, और हमारा ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रूप में चलता है। और कंधे लगाते हैं, अरे आत्मा को नहीं कंधे लगाना बताया। आत्मा को नहीं लगाते हैं कंधा। है चार आत्माएं तो चार घोड़े हैं मन बुद्धि रूपी, लेकिन जिसको कंधा लगाते हैं वो रावण का दस सिरों का बाप है। कौन है? देहाभिमान रूपी गधा दिखाया गया है, उसको कंधा दिखाते हैं। वो देहाभिमान रूपी मुर्दा है, जिस मुर्दे को कंधा देते हैं। और जैसे रावण राज्य वाले, रावण राज्य में जो रहते हैं ना, रावण राज्य में जो रहते हैं तो वो राम को मानते हैं। रावण राज्य में जो रहते हैं वो राम को मानते हैं। रावण राज्य में रहने वालों ने राम को पहचान लिया। रावण राज्य में हम गुप्त रीति से रहेंगे, माने विभीषण बन के रहेंगे। हाँ, वहाँ रहेंगे तो उनके आज्ञा पे चलना पड़ेगा रावण के। अगर रावण के राज्य में रहेंगे और गुप्त रीति से रहेंगे तो जो गुप्त रीति से रहने वाले हैं, कोई जरूरी है कि हमेशा रावण के आर्डर को ही फॉलो करें? उनका रूप ही गुप्त है, अंडरग्राउंड है,
रावण संप्रदाय वाले जो हैं वो उनको देखते ही नहीं, उनको पहचानते ही नहीं, उनको पकड़ में ही नहीं आते, क्योंकि गुप्त हैं। तो क्या रावण के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने के लिए बंधे हुए हैं? अरे अरेस्ट किए जाएंगे तभी तो बंधेंगे, नहीं समझ में आया? हाँ, पांडव थे गुप्त, क्या 13वां वर्ष उनका खास अज्ञातवास का था। कौरव संप्रदाय को या रावण संप्रदाय को पता चल पाया कि गुप्त हैं या प्रत्यक्ष हैं? उनको प्रत्यक्ष हुए ही नहीं। रावण राज्य में रह के भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। और बाबा विष्णु ने टांकी क्यों कह के नीचे दबाई है? विष्णु ने क्या टांकी टांकी हाँ नीचे दबा रखी है? समझ नहीं आई बात क्या है। शास्त्र में कोई यादगार है? शास्त्र में क्या यादगार है? वो चित्र में कैसे दिखाया है? अभी लिखा हुआ है वो पढ़ा है। अच्छा, शांति शब्द उनके पांव के नीचे दबा हुआ है। अच्छा, तो जो विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा वैष्णवी देवी है वो कहाँ पल रही है? हैं? वो अभी कहाँ पल रही है? बीके वालों में पल रही है या कहीं दूसरी जगह पल रही है? बेसिक वालों में पल रही है। और बेसिक वाले अंदर से मन से अभी अशांत हैं या शांत हैं? हैं? अशांत हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अशांति को या कहें शांति को बुद्ध रूपी पांव के नीचे दबाया हुआ है। जो शांति का सागर है, शांति देवा है, शांति देने वाली मूर्ति है, उस मूर्ति को भी पांव के नीचे दबाया हुआ है। और उसका प्रत्यक्ष रूप होगा वो ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा महाकाली, जब शांति देवा को पांव के नीचे पूरा ही दबा देगी तब सारी दुनिया को दिखाई देगा कि विष्णु ने क्या किया, शांति को पांव के नीचे दबा दिया। और बाबा ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चलती थी हर वाणी में ब्रह्मा का इंटरेक्शन करते थे क्या? अरे ये बात तुम्हें पता ही नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि एडवांस में जबरदस्ती सुनाया जा रहा है। हाँ, शिव बाबा तो कोई को गाली नहीं देते। हाँ, में तो कभी कभी उल्लू बाजी गदा, तो ये ब्रह्मा बाबा की बात थी क्या? शिव बाबा तो थप्पड़ भी मारते हैं, बाप तो थप्पड़ भी मारेगा, बोला कि नहीं? हाँ, गाली देने की तो बात ही दूर। सचिती नैया, हाँ नैया कहेंगे, नैया कांच की होती है। हैं? हैं? शिव सच्चा है, शिव जो है वो चैतन्य है, लेकिन नैया शरीर को कहा जाता है। क्या तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नवैया का खिवैया एक ही बाप है, लेकिन जिस नैया के बारे में ये कहावत है कि सत्य की नैया हिलेगी दुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं,
वो सच की नैया काठ की नैया है जो रामायण में भी प्रसिद्ध है। केवट की कौन सी नैया थी? काठ की नैया। उस नैया पर पांव रखने से पहले क्या करना पड़े भगवान जी को? है हमें पांव धो लेने दे। ये देहमान की जो धूल है ना पांव में वो उतर जाए, नहीं तो हमारी नैया डूब जाएगी। तो नैया है काठ की। अब वो काठ की नैया, काठ हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है, इसलिए पानी में तैरता रहता है। वो नैया इतनी भी हल्की दिखाई गई है शुरुआत में कि पीपल के पत्ते के मुआफिक हल्की। जो पीपल का पत्ता होता है उसका हरी चमड़ी हट जाती है पानी में चढ़ करके, तो उसमें जाली रह जाती है कि नहीं? जिस तत्व से वो जाली बनी है उसी तत्व से नैया भी बनती है। वो जाली है शुरुआत का रूप, और जिसको नैया बताया गया है वो है बड़ा रूप। वो छोटी छोटी हड्डियां हैं, और जो नैया दिखाई गई है रामायण में वो बड़ी हड्डियां हैं। माने नैया है शरीर, देह अभिमान रूपी नैया है, इसलिए बोला कि कन्याओं माताओं में जाति देह अभिमान होता है। पुरुषों के लिए ऐसे नहीं कहा देह अभिमान जाति होता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के लिए गायन है, पांडवों ने अपने देह अभिमान को गलाई दिया, पांडवों ने गलाई दिया और फीमेल्स ने नहीं गलाया है? गलाया। पांडवों का गायन है, इसका साबित होता है कि जिन्होंने अपने देह अभिमान को गलाई दिया नंबर वार, वो ही पांडव पंडा के पांच बच्चे बताए गए। जिन पांच पांडवों को भारत के जितने भी भारतीय धर्म हैं उन सभी ने फॉलो किए हैं, वो पांच पांडव ही भारतीय धर्मों के पांच संप्रदाय हैं। सिख संप्रदाय सहदेव, नकुल संप्रदाय सन्यासी, अर्जुन संप्रदाय बौद्ध जिनका रथ प्रसिद्ध है। इसलिए भारतीय धर्मों के संप्रदाय में विधर्मियों के बीच एक ही धर्म पिता है जिसका रथ बहुत बड़ा दिखाया जाता है। कौन है? है? अरे मूर्तियां भी बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, महात्मा बुद्ध उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई जाती हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध किस बात की यादगार है? अर्जुन के रथ की यादगार है। ये बड़ा बड़ा क्यों दिखाया जाता है पांडवों को या अर्जुन को या बाहुबली को? बुद्धि विशाल दिखाने के लिए उनको बड़ा दिखाया जाता है। प्रश्न क्या था मूल? हाँ, सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो वो जो सत्य की नैया है
वो कठबुद्धि नैया है, काठ की बुद्धि है, लेकिन बहुत हल्की है। हल्केपन में इतनी हल्की दिखाई गई है कि सिखों में तो उसको अकाल तख्त नाम दे दिया है। कौन सा तख्त? अकाल तख्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। जो गायन सिखों में है उसका जो अर्थ है वो ही गायन हिंदुओं में है, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सिखों में उसको अकाल तख्त कह दिया है। अकाल तख्त वो प्रकृति के मध्य स्थान को ही क्या कहते हैं? अकाल तख्त। जो विराट रूप का अकाल तख्त है यहां प्रवेशता दिखाई गई है। अर्धनारीश्वर भगवान का एक रूप है या नहीं है? है रूप, उसमें आधा रूप पुरुष का है। इसलिए भगवान जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं उसमें भी खड़ा हुआ शिव नेत्र दिखाते हैं, और स्त्री चोले में भी महाकाली में खड़ा हुआ शिव नेत्र दिखाते हैं। लेकिन भगवान के पुरुष रूप की पूजा होती है या स्त्री रूप की पूजा होती है? पुरुष रूप की क्यों होती है जब दोनों में खड़ा नेत्र है? है? पूजा का जो भाव है असली वो क्या है? प्योरिटी। तो वो प्योरिटी महाकाली में नहीं है। शारीरिक प्योरिटी न होने के कारण काला रूप दिखाया गया है, काला चोला चोंगा दिखाते हैं। इसलिए बोला कि स्त्री रूप में भगवान संसार में प्रत्यक्ष नहीं होते। जो असुर स्त्री चोले को भगवान का रूप समझ लेते हैं वो उसको प्रदूषित करने के कारण देवी के पुजारी रावण संप्रदाय कहे जाते हैं। क्यों? कि स्त्री चोला जो है वो पुरुष चोले के मुकाबले जल्दी प्रभावित होने वाला होता है या अप्रभावित होने वाली है? प्रभावित होने वाला है। इसलिए काठ की नैया दिखाई है। और गुजरात और यहाँ से गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य में जो साड़ी पहनने का ये है वो एक तरीका है। हाँ जी, इसलिए तरीका एक है कि गुजरात से निकलने वाली जो वैष्णवी शक्ति है और जो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला भगवान का रूप है वो दोनों ही मिलकर के एक पहनावा एक सभ्यता के फॉलोअर बन जाते हैं या विदेशी सभ्यता के फॉलोअर से एक ही सभ्यता को अपनाने वाले हैं, वो है देवी देवता सनातन धर्म की सभ्यता। इसलिए चाहे कंपिल का पहनावा हो और चाहे गुजरात का पहनावा हो, खास करके कन्याओं माताओं में एक ही पहनावा अच्छा माना जाता है।
अगर गुजरात में सलवार कुर्ती कोई पहनते हैं तो ठीक नहीं समझते, यूपी में भी ऐसे है। और गुजरात के लोग घूमने ज्यादा चलाते हैं, उनकी रात गुजर गई है ना, जिनकी रात गुजरी ही नहीं, अज्ञानता के अंधेरे में और पड़ पड़ सोते रहो। हड्डी की मेहनत तो बिहार वाले ज्यादा करते हैं। और भीम माने भयंकर, क्या जैसा भयंकर पार्ट अर्जुन भी नहीं बजा सका। कैसा भयंकर पार्ट, अकेले 100 कौरवों का वध करने वाला है, अकेले ही कीचकों का वध करने वाला है, और अकेले की ताकत से बड़े बड़े राक्षसों को नेस्त नाबूद करने वाला है। इसलिए भयंकर है या नहीं है, है? और वापर के बाद वो धर्म कौन से रूप से दिखाई देता है? वापर के बाद वो कौन से रूप से द्वापर के बाद अगर दिखाई देगा तो विधर्मी कहा जाएगा ना, और जब विधर्मी कहा जाएगा तो पक्का स्वधर्मी तो नहीं हुआ। इसलिए वो ठेठ क्षत्रिय होना चाहिए, या द्वापर युग से आने वाले धर्मों को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठेठ क्षत्रिय दिखाया गया है शास्त्रों में। और गुजरात में जूनागढ़ बताया, इसमें गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया, और इसके प्रदक्षिणा करते हैं, घूमते हैं। हाँ, मथुरा में जो गोवर्धन पहाड़ है, गौओं का वर्धन करने वाला पहाड़, कितनी गौएं, 16,108 गौओं को वर्धन करने वाला जो पर्वताकार स्वरूप है, जो पहाड़ के रूप में देखने में आता है, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जिस पहाड़ को भगवान ने अपनी सबसे छोटी अंगुली के ऊपर धारण कर लिया था, तो जो 5 पांडव हैं, उस 5 पांडव में सबसे छोटी उंगली कौन है? सहदेव। जरूर सिख धर्म से निकलने वाली कोई आत्मा है, पंजाबी खून वाली, जिसके ऊपर 16,000 की पालना का पूरा भार डाल दिया जाता है, और वो पालना करके दिखाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 400 की 4 बरातों का बोझ उठा के दिखाया, ऐसे ही वो सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली 16,108 सरेंडर्ड वर्ल्ड की राज परिवार की राजाई प्राप्त करने वाली प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माओं के पहाड़ को प्रदर्शित भी करता है और उनकी पालना भी करता है। ऐसे ही गिरनार पहाड़ है, गिरनार पहाड़ की भी वैसे ही विशेषता है। एक ही बात को शास्त्रों में अनेकों कथाओं कहानियों के रूप में दिखाया गया है।
वो पहाड़ दिखाया गया है जूनागढ़ में। जूना माने पुराना, गढ़ माने किला, किला माने संगठन। दुनिया में देवताओं से लेकर के और कलयुग अंत तक जाने कितने संगठन रूपी किला बने, उन सभी संगठन रूपी किलों में सबसे पुराने से पुराना किला कौन सा हुआ है? जूनागढ़ का किला। गढ़ माने किला, जूना माने पुराना। वो संगम युग की यादगार है गिरनार पर्वत। और अरे वो तो मुसलमान राज्य करेंगे जब महाकाली का रूप धारण करती है, काला चोंगा पहनती है, तो काले बुरके वालों के ऊपर कौन राज्य करते हैं? हैं? मुसलमान ही राज्य करते हैं। और नेपाल में कुछ वर्ष पहले अभी तक राजा ही थे, तो भारत में कलयुग में भारत में कितने साल तक राजा ही थे? भारत में सब धर्मों के आधार मूर्त और बीज रूप है। कोई एक धर्म के आधार मूर्त और बीज रूप नहीं है। लेकिन नेपाल में जिसका नाम ही है नेपाल, नई दुनिया की पालना करने वाले, जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं, जिनके बीज की शुरुआत होती है काशी नगरी से। क्या बेसिक में भी नेपाल में जो सेवा का फाउंडेशन पड़ा वो कौन से सेंटर से पड़ा है? भूल गए? अरे बनारस से फाउंडेशन पड़ा। ऐसे ही एडवांस में भी नेपाल देश के लोग जो एडवांस में निकलते हैं वो कब निकलना शुरू होते हैं? जब काशी नगरी का फाउंडेशन एडवांस पार्टी में पक्का होने लगता है। वो नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन सदैव ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर दिखाया गया है। भारतवर्ष के ऊपर सब धर्म वालों ने आक्रमण किए, आक्रमण करके हर धर्म के आधार मूर्त और बीज मूर्त राजाओं को रानियों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन नेपाल के राजाओं के ऊपर कोई विदेशी ने आक्रमण नहीं किया, सदैव सुरक्षित रहा। अगर आक्रमण करते भी हैं और आक्रमण करके राजाई को नष्ट करते हैं, राजाई को नेपाल की राजाई को ध्वस्त करते हैं, तो वो कौन सा संगठन है? माओवादी। ओ अम्मावादी, ये महाकालियों का संगठन है क्या? ये अम्मा को रावण संप्रदाय अपनी मुट्ठी में कर लेता है और अम्मा बाप में भेद कर देता है, तब हार होती है। प्रवृत्ति मार्ग जब नष्ट होता है तब देवताओं की हार हो जाती है। अभी वो नेपाल के माओवादी, ओ अम्मावादी हिंदुस्तान में भी फैलते जा रहे हैं कि नहीं फैलते जा रहे हैं? हैं? फैलते जा रहे हैं।
माया के बंधन से जो नया संगठन है वो बच जाएगा। है नया संगठन जो बना हुआ है वो माया के बंधन से बच जाएगा। माया भी माया का बंधन चाहिए बाबा जी, सारे भारत में हो जाएगा सारे। अरे जो अष्ट देव हैं, जो सर्वोपरि सत्ता वाले हैं, वो ही अंत में आकर के क्या होता है उनका हाल अंतिम जन्म में, माया उनके ऊपर हावी हो जाती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो अंत में नेपाल को माया ने छोड़ दिया क्या? अरे माया बेटी का तो धंधा है, ऐसे नहीं तो ऐसे जीते जी माया बेटी ने एडवांस पार्टी के बाप के बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो शरीर छोड़ने के बाद वो हिम्मत नहीं हारती है, वो क्या करती है, वो माया बेटी प्रकृति से हाथ मिला लेती है, जानती है ये प्रकृति माता भी बाप की सहयोगिनी शक्ति है, और सहयोगिनी शक्तियों के बीच सबसे पावरफुल शक्ति है। प्रकृति जब तमो प्रधान बनती है तो सारी दुनिया का विनाश करा देती है भूकंप से, एक भी मनुष्य मात्र जीवित नहीं रहता, इतनी पावरफुल है। जिस प्रकृति की रचना में प्रत्यक्ष रूपेण कृति माने रचना, प्रत्यक्ष रूप की रचना, प्रकृति की रचना में भगवान का साकार रूप एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा देता है, माया बेटी की रचना में इतनी ताकत नहीं लगाता, तो बहुत पावरफुल है। इसलिए वो माओवादी, उनका जो हेड है, मुखिया है, उसके लिए ये चित्र दिखाया गया है कि जो भगवान का प्रैक्टिकल रूप है शिव शंकर भोलेनाथ, वो भी माओवादी की हेड के पांव के नीचे धराशायी दिखाया गया है। बाकी कोई धराशायी होने की बात नहीं है, गाय होती है दूध देती है, तो दूध मिलता है तो थोड़ी लात खाली तो कोई मुसीबत आती है क्या? इतना बड़ा काम दुनिया के आसुरी शक्ति का विनाश का काम जो बड़े बड़े धर्म पिताएं, महान धर्म पिताएं नहीं कर सके, उस काम का लकबा, उसकी उपाधि, उसका सारा महत्व शंकर को मिलता है, परंतु शंकर तो विनाश नहीं करता है, कौन करता है, शक्तियां करती हैं, और उन शक्तियों को कंट्रोल करने वाला जो रूप महाकाली का रूप है, अंतिम रूप, वो अगर सहयोगी बन जाए तो शांत रहने में फायदा है या मुकाबला करने में फायदा है? अरे चुपचाप अपना काम करवा लो, अरे पांव नहीं रखने देंगे छाती के ऊपर, माने अहंकार आया कि नहीं आया? आया फिर निराकारी कहा जाएगा है? जहां झुकने की जरूरत है वहां झुक जाने में फायदा है या सर उठाने में फायदा है? झुक जाना चाहिए, और मुरली में तो बुलाए हुआ है क्या? तुम बच्चे बाप के प्रति सरेंडर होते हो
तो बाप भी तुम बच्चों के सामने सरेंडर हो जाते हैं। नवरात्रि का जो उत्सव होता है यहाँ पे बाबा, यहाँ उत्सव होता है। हाँ होता है, होता है, होता है। वो गुजरात में अलग तरह से ये करते हैं। हाँ हाँ, नवरात्रि का जो उत्सव होता है वो विशेष उत्सव तो बंगाल में मनाया जाता है धूमधाम से, लेकिन पूर्वी भारत के मुकाबले पश्चिमी भारत में जो नवरात्रि का महोत्सव होता है वो गुजरात में खास है। और उस महोत्सव में भी दांडिया रास बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम दिया? डंडे मारते जाओ और संस्कारों की रास मिलाते जाओ। उसको बरसाने में भी दिखाया गया है। क्या? बरसाने में जब रास करते हैं तो जो गोपियां हैं लठ बजाती हैं पांडवों के ऊपर। लठ कहो डंडे कहो, वो डंडे खाते जाओ और रास रास मिलाते जाओ। मुरली में भी बोला है बाप आते हैं तो बच्चों के साथ बातें और लाते हैं दोनों करते हैं। लात भी खाओ है तो बातें भी करो। और है बोलने दो पहले। हाँ ब्राह्मण होते हैं, श्रावण महीना आता है, श्रावण महीना है श्रावण मास आता है ना। हाँ उत्तर प्रदेश में तो होता है वो 15 दिन पहले मनाते हैं और गुजरात वाले 15 दिन बाद में मनाते हैं। क्या होता है श्रावण मास? श्रावण महीने में, श्रावण महीने में 15 दिन पहले मनाते हैं जो ब्राह्मणों। क्या मनाते हैं? श्रावण मास। श्रावण मास नहीं, ऐसा तो नहीं है। शिवरात्रि के लिए तो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक दिन का फर्क है। है और मास यूपी करते हैं ना। हाँ यूपी में पूर्णिमा से करते हैं और यहाँ अमावस्या से करते हैं। 15 दिन का फर्क होता है अमावस्या का फर्क। यूपी वालों का पूर्णिमा से होता है पूर्ण मास। अच्छा वो श्रावण मास जो है वो पहले होता है। अरे तो यूपी में भगवान आता है तो ज्ञान की बरसात पहले कहाँ करेगा? है यूपी में ही करेगा ना, दूसरी जगह क्यों करेगा? पहले खास फरक्काबाद में करेगा ये दूसरी जगह करेगा? हाँ तो पहले मनाते हैं तो क्या मुसीबत आ गई? और बाबा मुस्लिम बोला हुआ कि धर्म युद्ध का खेल यूपी वाले ही दिखाएंगे। हाँ धर्म का युद्ध का खेल यूपी को दिखाना है। तो ये धर्म युद्ध जो है वो ज्ञान का युद्ध है या बाहुबल का युद्ध है? ज्ञान का युद्ध है। धर्म युद्ध का मुखिया यूपी का होगा तो यूपी वालों का ही कहा जाएगा ना। यूपी वाले धर्म युद्ध का खेल दिखा देंगे। और कोई बाहुबल का युद्ध दिखावेंगे क्या? है बाहुबल का युद्ध नहीं दिखावेंगे। ज्ञान है, ज्ञान का युद्ध है, धर्म का युद्ध है। बाहुबल चलाना, नोटों की गद्दियों के बल पर युद्ध करना, ये तो धर्म युद्ध नहीं है। क्या है? ये तो अधर्म युद्ध है। और प्रश्न आया है क्या स्वर्ग में भी पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटेगी?
अगर काटेगी तो स्वर्ग में तो अंधेरा जरूर आएगा। कोई जरूरी है अंधेरा आएगा? अरे पृथ्वी अभी भी चक्कर काटती है या नहीं काटती है सूर्य का? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने उजेला होता है कि नहीं होता है? वहां तो अंधेरा नहीं होता 6 महीने तक। तो जब यहाँ ही पृथ्वी पर ऐसा हिस्सा है जहां अंधेरा नहीं होता है, तो स्वर्ग में भी तो ऐसा हिस्सा हो सकता है जो 2500 वर्ष तक अंधेरा होगा ही नहीं, और वहां पृथ्वी का वही हिस्सा होगा जहां अंधेरा नहीं होगा। बाकी हिस्सा पृथ्वी का हिस्सा नहीं होगा, वो सागर का हिस्सा हो सकता है जहां अंधेरा होगा, लेकिन पृथ्वी का जो हिस्सा होगा छोटा सा, क्योंकि उस समय जब देवताओं का राज्य होता है, स्वर्ग होता है, वहां पृथ्वी की धुरी परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, और झुकी हुई धुरी वाली पृथ्वी ये सूर्य चमक रहा है। अगर ये सूर्य है, ये झुकी हुई पृथ्वी वाली परिधि है, और वो चक्कर काटेगी सूर्य के ऐसे ही झुकी हुई, तो जब इधर आई तो उत्तरी ध्रुव दूर हो गया कि नहीं है? और ये दक्षिणी ध्रुव नजदीक हो गया कि नहीं? ये नजदीक हो गया, तो जो दक्षिणी ध्रुव नजदीक हो गया वहां उजेला रहता है 6 महीने, और जो दूर हो गया वहां 6 महीने अंधेरा रहता है। यही घूमते घूमते उस तरफ पहुंचेगा, तो उत्तरी ध्रुव का वही हिस्सा सूर्य के नजदीक हो गया, तो वहां 6 महीने उजेला ही उजेला रहता है। ऐसे ही ये झुका हुआ पृथ्वी का जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी सीधी हो जाएगी, ये नहीं कहा, चेंज हो जाएगी। इस तरह चेंज होगी कि जो हिस्सा है वो सदैव ही क्या होगा, सूर्य के सन्मुख रहेगा। थोड़े समय के लिए थोड़ा झुटपुटा हुआ और फिर सवेरा, रात्रि का नाम निशान भी नहीं होगा 2500 साल तक। फिर सोएंगे कैसे? अरे सोने की वहां दरकार होगी नहीं होगी? वहां थकान होगी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां देहवान होगा ही नहीं। जब देह समझेंगे ही नहीं तो थकान भी नहीं होगी। यहाँ देह समझे बैठे हैं, देहवान है तो थकान होती है। वहां सदैव आत्मा अभिमान होता है, आत्मा को तो कभी थकान नहीं होती। ब्रह्मा कुमारी योगेश भाई 8वीं कक्षा विरार, ठीक। एक वार्तालाप में बाबा ने कहा कि जो संकल्प हम करते हैं उसकी भी शूटिंग होती है, तो जो बाबा से मिलन बनाने के लिए संकल्प करता है उसकी ब्रॉड ड्रामा में कैसे प्ले होगा? अरे यहाँ संकल्पों का बीज डालेंगे, संकल्पों से बाबा से मिलेंगे, माने बाबा से मिलन मेला मनाएंगे, संकल्पों से मिलते रहेंगे, जितना जो बाबा को याद करेंगे
तो वहाँ 63 जन्मों में 21 जन्मों की तो बात ही छोड़ो, वहाँ तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, सुखी ही सुख है, सब सुखदाता के बच्चे हैं। लेकिन जो दुख की दुनिया है वहाँ भी शिव का जो आधारभूत बनता है, जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप प्रवेश करता है, चाहे वो टेम्पररी रथ हो या मुकर्रर रथ हो, उन हीरो हीरोइन के रथ अर्थात रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा तो रहेगा, तो मिलन मेला होगा कि नहीं होगा? होगा ब्रॉड ड्रामा में। और संकल्पों की शूटिंग और कर्मों की शूटिंग में क्या अंतर है? संकल्पों की शूटिंग तो दिमाग में चलती है, मन बुद्धि में, याद के आधार पर जो संकल्प आते हैं और जो स्वप्न आते हैं या जो साक्षात्कार होते हैं वो 63 जन्मों के ऊपर आधारित है, कर्मों के ऊपर। 63 जन्मों में अच्छे व बुरे कर्म किए हुए हैं, वो इस समय संगम युग में संकल्पों की रील के रूप में हमारी मन बुद्धि में घूमते रहते हैं। अच्छे कर्मों का उदय हुआ तो अच्छे संकल्प घूमेंगे, और बुरे कर्मों का उदय हुआ तो बुरे संकल्प घूमते हैं। ये शूटिंग होती रहती है। लेकिन हम कर्म भी तो करते हैं, संकल्प ही करते हैं या यहाँ संगम युग में कर्म भी करते हैं? कर्म भी करते हैं, लेकिन कर्म करते समय अगर हम मन बुद्धि को बाबा की याद में रखते हैं, क्या मान लो आंख से हमने कर्म किया, किसी को देखा और देखते देखते हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो जिसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल आंखों से, वो ब्रॉड ड्रामा में आएगा या नहीं आएगा हमारे नजदीक? अरे मन बुद्धि से हम बाबा को याद कर रहे हैं, आंख से प्रैक्टिकल आंख से देखने वाला देख रहा है, हमको देख रहे हैं, लेकिन आंख थोड़ी बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? अरे दृष्टि में रूहानियत का, जिस्मानियत का परिवर्तन देखने में आता है या नहीं आता है? तो अगर रूहानियत से देखते हैं तो हम किसके साथ हैं? तो शिव बाबा के साथ होंगे ब्रॉड ड्रामा में, या प्रैक्टिकल में जिसको देखते हैं वो ड्रामा में हमारे साथ होगा? शिव बाबा के साथ होंगे। अगर किसी को हम देखते हैं और मन बुद्धि में शिव बाबा की याद नहीं है, और हमारी आंखें व्यक्त रूप में लगाव में किसी के सामने लग गई, व्यक्त आंखों को आंखों से देखते हैं, मन बुद्धि भी उसी में लग गई, तो जो ब्रॉड ड्रामा में जो खेल होगा वो शिव बाबा के साथ होगा, रामकृष्ण की आत्माओं के साथ होगा, या जिसको प्रैक्टिकल में हमने देखा उसके साथ होगा? जिसको प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल कर्म जिसके साथ किया उसी के साथ कर्म होगा। तो ये हिसाब बनता रहता है, कोई भी इंद्रिय का यही हिसाब है। सिर्फ आंखों की बात नहीं है, क्या नहीं समझ में आया? कोई भी इंद्रिय का यही हिसाब है कि अगर हम किसी इंद्रिय से कोई कर्म भोग भोगते हैं, उस कर्म भोग भोगते समय, कर्म करते समय अगर बाबा की याद है तो बाबा ही हमारे साथ होगा,
21 जन्मों की तो बात छोड़ो, 63 जन्मों में भी बाबा के साथ संग मिलेगा। और अगर उन कर्मेंद्रियों से भोग भोगते समय जिसके साथ हम भोग भोग रहे हैं उसी में मन बुद्धि रमी हुई है तो किसके साथ होगा? देहधारी के साथ होगा या रामकृष्ण की आत्माओं के साथ होगा? देहधारी के साथ होगा। प्रश्न आया है बीके में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी चल रहे हैं जिन्होंने शिव बाबा को साकार में पहचान कर भट्टी भी नहीं की है, साकार में शिव बाबा को पहचान कर भट्टी भी की है, उनको एडवांस में आना है या नहीं? पूछने वाले का यही प्रश्न कुछ और है? है किसने लिखा है? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी बीके में है जिन्होंने शिव बाबा को साकार में पहचान कर भट्टी भी की है, एक बार उन्हों को एडवांस में आना है या नहीं? माने भट्टी तो कर ली लेकिन संसर्ग संपर्क प्रैक्टिकल में किसके साथ होता है? बीके वालों के साथ, एडवांस वालों के साथ संसर्ग संपर्क नहीं है। तो वो एडवांस में एडवांस संगठन के साथ आवेंगे या नहीं आवेंगे? है? अरे इसमें क्या है? अगर वहां रह करके भी उनका लक्ष्य है कि हम गुप्त रूप में उनकी सेवा करेंगे क्या, और उनको सेवा करके फिर एडवांस में ले आवेंगे और प्रैक्टिकल में वो इस बात में सफल भी हो जाएं, तो वो एडवांस के संगठन के कहे जावेंगे या बीके संगठन के कहे जावेंगे? एडवांस के कहे जावेंगे, उनके लक्ष्य के ऊपर है। वो उनका अंदर में लक्ष्य क्या है वो बाहर वालों को पता नहीं लग सकता। हो सकता है कि वो अज्ञान में हो, कोई भी लक्ष्य धारण नहीं किया हो। जैसे भक्त लोग चलते हैं, कभी किसी संगठन में गए, कभी किसी सत्संग में गए, ऐसे इधर भी आ गए और आकर के चले गए, तो कोई लक्ष्य नहीं है तो कहेंगे कि वो एडवांस के संगठन में कभी नहीं आ सकते। हाँ।